दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन. जगवानी है जी, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. वजह से नहीं जुड़ पाई, पर धन्यवाद आपका, आपने मुझे आज अजमेर संभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि मेरी तीन विधानसभाएं अजमेर संभाग में लगती हैं, तो इसलिए फिर मैंने निवेदन किया था कि मुझे अजमेर संभाग में जुड़ने का मौका मिले. तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वैसे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, प्रशासन भी बहुत सतर्क है और बहुत स्ट्रिक्टली राजसमंद क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कलेक्टर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे के कुछ ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा सा भेदभाव कर रहे हैं, तो उनपे भी अगर कुछ थोड़ी सख्ती की जाए कि वो किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करें और भेदभाव ना करें. दूसरा, मेरे जो तीनों क्षेत्र हैं, ब्यावर, डेगाना और मेड़ता और जेतारण, चारों क्षेत्र विधानसभा, इनमें क्या है कि टिड्डी दल का आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है और इससे किसानों की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान आ रहा है, बहुत नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से भी बहुत नुकसान हुआ है, कुछ किसानों की जो फसल है वो जल भी गई है, तो उनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कोई ना कोई पैकेज दिलाने का निवेदन करना चाहूंगी. इसके अलावा जो हमारे समर्थन मूल्य खरीद केंद्र है उनपे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसानों को परेशानी आ रही है, उसके लिए भी कुछ थोड़ा उनको उसके लिए भी कोई समाधान किया जाए, और जो हमारे खरीद केंद्र है वो भी थोड़े बढ़ाए जाए राजसमंद क्षेत्र में. इसके अलावा जो राजसमंद में जो हमारी चने की बिक्री है वो भी अभी नहीं हो रही है, जबकि और क्षेत्रों में ये चने की बिक्री हो रही है, तो वहां भी अगर कराने का आप आदेश फरमाएं. दूसरा, जो आपने 2% सेस लगाया है किसान कल्याण कोष के अंतर्गत, उसको भी आप उसको दोबारा विचार करें और उसको हटाने का कष्ट करें, क्योंकि वैसे भी सभी बहुत परेशान है, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो इसमें दोबारा से आप विचार करें और उसको हटाने का कष्ट करें. तीसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिजली और पानी के 2 महीने के जो बिल है उसको आपने स्थगित तो किया है, लेकिन इसको माफ करने पे दोबारा विचार करें और इसको पूर्ण रूप से माफ किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है, उद्योग नहीं चल रहा है, किराएदार परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, कहीं से भी कुछ भी किसी की आय नहीं हो रही है, तो इस पे दोबारा पुनः विचार करके इसको पूर्ण रूप से माफ किया जाए. एक और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे राजसमंद में जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वहां पर 1-1 कमरे में 10-12 लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, वहां पर कोई अगर पॉजिटिव नहीं भी होगा तो पॉजिटिव हो जाए, तो जितना हो सके उतना होम क्वारंटाइन ही किया जाए लोगों को, इनको होम क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि ज्यादातर ये फैमिलीज ही हैं जो बाहर से आई हैं और इनके घरों में ये आराम से जाके रह सकती हैं, लेकिन इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो इनपे दोबारा विचार करके इनको घर पे ही क्वारंटाइन किया जाए. और इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो महिलाएं हैं उनको अलग से क्वारंटाइन किया जा रहा है बच्चों के साथ घर पे, और जो पुरुष है उनको इसमें सेंटर में भेजा जा रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है. अगर एक ही परिवार है तो उनको घर ही भेजा जाए, वो एक साथ ही क्वारंटाइन हो जाएंगे, अलग अलग करने में क्या लॉजिक. और एक इसमें क्वारंटाइन सेंटर्स में खाने की व्यवस्था और भी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और जो व्यवस्थाएं हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में वो भी अभी तक अच्छी नहीं है, खाने की बहुत परेशानी आ रही है, या तो घर से खाना लाने को इनको इनको अलाउ किया जाए, कई जगह पे नहीं हो रहा है, तो इसका आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी कि कलेक्टर साहब को निर्देश दें आप स्ट्रिक्टली कि ये चीज अलाउ करें. और भी जैसे पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है क्वारंटाइन सेंटर्स में, उस पर जरा ध्यान दिया जाए. एक चीज और, हमारे जो जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं उनके लिए भी आपसे मैंने पत्र भी लिखा था कि उनका भी बीमा 50 लाख तक का बीमा कराया जाए, वो भी तो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इसको उनपे भी अगर आप थोड़ा सा मीडिया अगर थोड़ा कंसिडर करा जाए, क्योंकि वो लोग भी तो फील्ड में जाते हैं, वो भी तो इस परेशानी का सामना करते हैं, बहुत सारे कोविड पॉजिटिव भी आए हैं, तो उनको भी अगर उनपे ध्यान दे कि उनका भी बीमा कराया जाए. नहीं, पर फिर भी कई राज्यों में पॉजिटिव भी आए हैं, तो वो भी अगर थोड़ा कंसिडर
किया जाए, और जो हमारे जितने भी असेंशियल वर्कर्स हमारे असेंशियल वर्कर्स हैं जो लोग बिल्कुल फील्ड में जा रहे हैं, हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, और भी जो जितने लोग हैं आशा सहयोगिनियां हैं, इनके लिए भी अगर इनका वेतन डबल किया जाए तो उसके लिए भी बहुत आपके आभारी रहेंगे हम, जैसे हरियाणा सरकार ने किया है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छे आपने पॉइंट रखे। आपसे आपसे चर्चा करने का बहुत मौका नहीं मिलता हम सांसदों को, तो जैसे भागीरथ चौधरी क्यों मौका नहीं मिलता, रखना चाहूंगी आज पूरी बात रखे बगैर नहीं जाऊंगी। तो एक जैसे पर्यटन क्षेत्र है, इसपे भी थोड़ा इसके लिए विशेष पैकेज की मांग मैं करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में पर्यटन का पूरी तरह से जोर है, बहुत पर्यटक आते हैं, तो इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाए। जो लाइसेंसेस हैं इस पर्यटन के, वो जो लाइसेंसेस आप रिन्यू करते हैं हर साल, उनको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर तक रिन्यू किया जाए, और जितने भी स्टेट से जुड़े हुए हैं, इस टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, चाहे टूरिस्ट गाइड हो, चाहे टैक्सी चालक हो, ऑटो चालक हो, इस तरह से क्राफ्ट्समैन है, हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हैं, उनके लिए भी कोई अगर 5,000 रुपए प्रति माह का कुछ थोड़ा आप अगर सहायता देंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज अभी ये लोग पूरी तरह से प्रभावित है, किसी भी प्रकार का रोजगार उनके पास नहीं है, और आगे आने वाले समय में भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई टूरिस्ट बहुत जल्दी राजस्थान आएगा। डोमेस्टिक टूरिस्ट आ सकता है, उसमें भी समय लगेगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी और लोग भी हैं, जैसे कि हमारे धोबी है, नाई है, जो फूल पत्ती का काम करते हैं, मोची समाज है, और भी जितने भी लोग हैं जो छोटे इससे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप अपना काम करते थे पहले, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरह से वो कहीं के भी नहीं रहे, तो वो आपसे उम्मीद रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आप उनकी भी कोई ना कोई आर्थिक सहायता करेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहा है राजस्थान सरकार, सारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं बाहर से लोग, जैसे जो और स्टेट से आना चाहते हैं राजस्थान, धन्यवाद। हॉस्पिटल में गार्ड की मृत्यु हुई है कोविड से, तो उसके लिए भी कोई आर्थिक सहायता या उसको भी कुछ आप अगर दे तो बहुत हमारे परिवार को कोई ना कोई सिक्योरिटी दे, तो भी सिक्योरिटी हाँ वो तो दीपावली, अब बताइए मुझे कोई शिकायत आए तो। जी 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 ठीक है, धन्यवाद। तो एक लास्ट रह गया, एक हमारे राजसमंद में मार्बल उद्योग, पूरी तरह से मार्बल उद्योग ही एक इंडस्ट्री है सबसे इम्पोर्टेंट, वो मार्बल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी ट्रक से अलाउ नहीं किया गया, उसकी भी अगर परमिशन दें तो वो लोग थोड़ा अपना काम धंधा तो शुरू करें। प्रधानमंत्री जी का हुआ तो अभी दिखा दो। अच्छा अभिषेक, थैंक यू वेरी मच।